नाथ तिवारी जो है एकदम यहाँ पर लेटी हुई हैं और आनंद ले रही हैं लेट करके। तब तक मैं बाकी जगह से वीडियो बना के आता हूँ। अब आगे और आप देखें लोग यहाँ पर कैसे जो हैं इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और सारे लोग जो हैं देखें इस तरीके से लोग जो हैं खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ये सारा जो है तरीका यहाँ पे होबे डोया। ऐसे जो है सारे लोग एंजॉय करते हैं। यह है जी खूबसूरत आइलैंड की सुंदरता। तो जी व्यूअर्स, ये होवे दोया आइलैंड और आप मेरे पीछे देखें पूरा क्राउड और जो है सारे लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं चारों तरफ। और पीछे पूरा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा सी है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। बोटें चल रही हैं, जो छोटी क्या बोलते हैं उनको, अपनी इस तरह की जो बोटें होती हैं, जो चार्टर्ड बोट्स होती हैं, वो भी जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको जो है यहाँ पर नज़र आएगा पूरा जो है फॉरेस्ट का एरिया। और वो फॉरेस्ट का एरिया जो है पूरे चारों तरफ, तो यही आइलैंड की एक विशेषता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखें मेरे सामने ये आपका पूरा आइलैंड और आइलैंड पूरा घना एकदम, और बाकी जो है चारों तरफ। और दूसरी तरफ आपको, और ये टापू पर बसा हुआ ये आइलैंड, और सामने आपको जो है देख लीजिए एक्सक्लूसिव आइलैंड की आपको तस्वीर मैं दे रहा हूँ। और कैसे जो है आइलैंड्स पर लोग एंजॉय करते हैं ये देखें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो मैं भी जो है एंजॉय कर रहा हूँ, जा रहा हूँ पूरा, और एक बेहतरीन यहाँ पे मुझे नज़ारा पूरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़े से शॉर्ट्स भी बनाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। शायद मेरे ख्याल से फ़ोटो भी बहुत बेहतरीन यहाँ पर निकल के आएगी, और बहुत ही बेहतरीन जो है चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं और आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप इन्जॉय करेंगे ये होवे दोया आइलैंड्स। और अब समर सीज़न आ चुका है तो मेरा आइलैंडों को एक्सप्लोर करने का जो ब्लॉग्स हैं वो आने शुरू हो गए। तो जी मैं अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आगे थोड़ा सा आपको आइलैंड एक्सप्लोर कराता हूँ चारों तरफ से। ये बेहतरीन आइलैंड जहाँ पर मैं इन्जॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें आप पूरा क्या बेहतरीन ये आइलैंड है चारों तरफ। और यहाँ से जो व्यू और नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है उसका पूरा मज़ा ही अलग है। ऐसे जो हैं लोग आकर के एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं।
और चारों तरफ जो है, और ये शांत माहौल में बैठे हुए लोग, ये आप देखें पूरा किस तरीके से जो है आपको यहाँ से चारों तरफ दिखाई देगा। ये इस तरीके से जो है चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं, और ये देखें जी, और पूरा सुंदर सामने जो है आपको पूरा ओस्लो का नज़ारा, और ये बेहतरीन जगह यहाँ पे आपको चारों तरफ दिखाई देगी। और ये खूबसूरत आइलैंड देखें चारों तरफ एकदम। तो मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ उतना आगे बढ़ के मुझे जो है बेहतरीन आइलैंड की जो है सुंदरता यहाँ पर नज़र आती है पूरी चारों तरफ। और ये आप देखें पूरा चारों तरफ पेड़ जो है सारे आपको दिखाई देंगे, और मुझे नहीं लगता कि इतना बेहतरीन नज़ारा आपको कोई यहाँ देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल दूसरी तरफ का नज़ारा है, देखें ये सुंदर नज़ारा चारों तरफ का। तो जी व्यूअर्स, देखें जी पूरा नज़ारा एकदम मस्त। और ये बेहतरीन नज़ारा चारों तरफ। तो ये देखें जी आइलैंड पर किस तरह के पेड़, ये देखें आपको आइलैंड पे ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें आपको दिखेंगी जो कांटे वाली होती हैं, झाड़ियाँ जो हार्ड वेदर में सर्वाइव करती हैं। ये देखें, और ये दूर आप जो है सी देखें दूसरी तरफ, आपको पूरा चहलकर्मी करते हुए ये यही है आइलैंड जी। ये देखें आइलैंड पे उगा हुआ पेड़ में ये फूल, ये होते हैं ये जो है बेहतरीन पूरा नज़ारा। और मैं ऐसे जो है आप मेरे यहाँ पर चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आप सुने, और ये है समुद्री द्वीप आइसलैंड जो होते हैं। और इसको देख के आपको लगेगा मैं कोई घने फॉरेस्ट पर हूँ, लेकिन ये फॉरेस्ट तो है मगर ये एक समुद्री द्वीप है जो समुद्र के बीच में टापू बनता है, टापू के ऊपर लैंड होती है, उस लैंड पर जो जीवन होता है फॉरेस्ट होता है
और ऐसे नॉर्वे जो है चारों तरफ जो है इस तरह के समुद्री द्वीपों से घिरा हुआ है और छोटे छोटे आइसलैंड हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर से निकल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये दूसरे छोर पे कहाँ कनेक्ट करेगा, बट उम्मीद करता हूँ कि ये आगे किसी जगह पे निकलेगा जहाँ पर रिधिमा और ओम मेरा वेट कर रहे हैं। वो इस तरफ आए नहीं, वो उधर ही खेल रहे हैं दोनों जने। तो ये जो आप देखेंगे नॉर्वे, एक तरफ पूरा सी था, दूसरी तरफ इस तरह का आइलैंड बने हुए हैं और पूरी तरह से नेचर है, फुल ऑफ नेचर। तो जी व्यूअर्स, ये था होवे, अभी रिधिमा बोलेगी हुबेदोया। तो रिधिमा कह रही है हुबेदोया, एक बार बोल कैसे बोलना है हुबेदोया। तो जी हुबेदोया का जो है ये हमारा ट्रिप और पिकनिक, और हमने यहाँ पे इंजॉय किया पूरा दिन, और आपके लिए बेहतरीन दो ब्लॉग हुबेदोया के आने वाले हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और एक बार फिर आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग इंजॉय आप करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट दें। और अब आप जो है ऐसे सुंदर और बेहतरीन ब्लॉग नॉर्वे से आपको देखने को मिलेंगे। यस ओम, ओम ने भी बहुत मस्ती करी है। लाइक शेयर कमेंट, लुक एट ऑन कैमरा, शेयर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड वॉच ऑल आवर वीडियोस सो वी कैन डू सो वी कैन मेक मोर। ओके बस रिधिमा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, जोर से लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। Bye bye guys, bye bye bye.